यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस प्री एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट पी वाई क्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं। मराठा काल में पेशवा, बालाजी विश्वनाथ ये प्रथम थे जो कि 1713 से 1720 ईस्वी तक रहे। बाजीराव प्रथम ये 1720 से 1740 ईस्वी तक। बालाजी बाजीराव जो 1740 से 1761 ईस्वी तक। इसके बाद में नाना साहब जो कि पानीपत का तीसरा युद्ध था जो हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी तक रहे। उसके बाद में माधवराव प्रथम थे जो 1761 से 1772 ईस्वी तक रहे। नारायण राव जो कि 1772 से 1773 ईस्वी तक रहे। माधव नारायण राव जो कि 1774 से 1795 ईस्वी तक रहे। इसके बाद में आता है बाजीराव द्वितीय जो कि 1795 से 1818 ईस्वी तक रहे। इनका मिलान करने के लिए आता है, आप यूपीपीएससी आरओ एआरओ यूपीएससी बीपीएससी प्रिपेयर के लिए आप हमारी एग्जाम गाइडर अकेडमी यूट्यूब चैनल को आप देख सकते हैं। इसके बाद में उत्तरकालीन मुगल सम्राट की बात करें तो बहादुर शाह प्रथम जो था वो 1707 से 1712 ईस्वी तक था। इसके बाद में जहांदार शाह जो कि 1712 से 1713 ईस्वी तक रहा। फिर बात करते हैं फर्रुखशेर जो कि 1713 से 1719 ईस्वी तक रहा। इनके सबसे पहले आता है बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार शाह, फर्रुखशेर, इसके बाद में रफ़ी उर दर्जात जो कि फरवरी से जून 1719 ईस्वी तक रहा। रफ़ीउद्दौला की बात करें तो रफ़ीउद्दौला जो था वो जून से 1719 सितंबर तक रहा। इसके बाद में बात करें मोहम्मद शाह की तो ये 1719 से 1748 ईस्वी तक रहा। अहमद शाह की बात करें तो 1748 से 1754 ईस्वी तक रहा है। आलमगीर द्वितीय था वो 1754 से 1759 ईस्वी तक रहा। शाह आलम द्वितीय ये 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा है। अकबर द्वितीय की बात करें तो ये 1806 से 1837 ईस्वी तक रहा। बहादुर शाह जफर जो कि एक आखिरी मुगल बादशाह था जो कि 1837 से 1857 जो कि स्वतंत्रता संग्राम के समय तक रहा है। इसके बाद में देखेंगे बंगाल के नवाब की बात करें तो मुर्शिद कुली खां जो कि 1713 से 1727 ईस्वी तक रहा। शुजाउद्दीन ये 1727 से 1739 ईस्वी तक। सरफराज खां ये 1739 से 1740 ईस्वी तक रहा है। इसके बाद में आता है अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक रहा। फिर आता है सिराजुद्दौला की बात करें तो 1756 से 1757 यानी कि प्लासी के युद्ध के समय तक ये रहा। मीर जाफर ये 1757 से 1760 ईस्वी तक, 1760 यानी कि बांडीवास का युद्ध के समय तक रहा है। इसके बाद में बात करते हैं मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी तक रहा। इसके बाद में बात करते हैं मीर जाफर की तो ये 1763 से 1765 ईस्वी तक रहा। निजामुद्दौला की बात करें तो ये 1765 से 1766 ईस्वी तक रहा। सैफुद्दौला की बात करें तो ये 1766 से 1770 ईस्वी तक रहा। इसके बाद में बात करें मुबारकुद्दौला जो कि आखिरी बंगाल का गवर्नर था, ये 1770 से 1775 ईस्वी तक रहा, कि बंगाल का नवाब था। इसके बाद में देखते हैं बादशाह और उनके मकबरे, ये हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। तो बाबर का मकबरा यानी कि बाबर का जो शासन काल रहा है वो 1526 से 1530 ईस्वी तक। इसका मकबरे की बात करें तो बाबर का मकबरा जो है वो काबुल में है अफगानिस्तान में। अकबर की बात करें तो इसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। सबसे ज़्यादा सही ने शासनकाल किया है मुगल सम्राट अकबर ने सबसे ज़्यादा शासन किया है। तो और इसके मकबरे की बात की जाए तो इसका मकबरा जो है वो सिकंदरा में स्थित है। जहांगीर ये 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक रहा है। और इसके मकबरे की बात करें तो इसका मकबरा जो है वो पाकिस्तान यानी कि लाहौर में स्थित है। शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ का शासनकाल 1628 से 1658 ईस्वी तक, और इसका मकबरा आगरा में बना हुआ है।
औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा, और इसका जो मकबरा है वो औरंगाबाद में है। ठीक है, बाबर का मकबरा ये काबुल में है और जहांगीर का मकबरा है वो लाहौर में है। ये दो जो मुग़ल सम्राट हैं इनके मकबरों की बात की जाए तो ये विदेशों में हैं। इसके बाद में विभाग और उनके संस्थापक सुल्तान हैं। देखिए दीवाने बंदगान ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। दीवान ए अर्ज ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। दीवान ए मुस्तखराज ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था, ये राजस्व विभाग था। दीवान ए अमीर कोही ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था और ये कृषि विभाग होता था। ठीक है, दीवान ए खैरात ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था और ये दान विभाग था। दीवान ए रियासत ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था और ये था बाजार नियंत्रण विभाग। दीवान ए रियासत क्या था? बाजार नियंत्रण विभाग था और शुरुआत किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद में देखते हैं लेखक और उनकी पुस्तकें रचनाएं। तो जियाउद्दीन बरनी की बात करें तो जियाउद्दीन बरनी की रचना है तारीख़ फिरोजशाही, ये इनकी पुस्तक है। हसन निजामी की पुस्तक ताजुल मासिर है और मिनहाज व सिराज की जो है वो तबकात ए नासिरी इम्पॉर्टेंट हैं, ये बहुत अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं। याहिया बिन अहमद इसकी तारीख के मुबारक शाही हैं। अमीर खुसरो की खजाइनुल फतूह हैं। जियाउद्दीन बरनी की फतवा ए जहांदारी है। मुल्ला दाऊद की चांदायन है। दामोदर कवि की पद्मावती कथा है। सोमनाथ की राग विबोध है। अमीर खुसरो की रचना आशिका है। शम्स ए सिराज अफीक ये तारीख़ फिरोज शाही। अमीर खुसरो की तुगलक नामा है। गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा है। अलबरूनी की तारीख़ हिंद या किताबुल हिंद। खुसरो की तारीख़ दिल्ली ये खुसरो की रचना है। इब्न बतूता की रहला है, ये इम्पॉर्टेंट है पूछा जाता है। इसके बाद में देखेंगे स्थल और उनके स्थापत्य। स्थल देखिए दिल्ली में जो स्थित है वो कुब्बत उल इस्लाम ये दिल्ली में स्थित है। जौनपुर में क्या स्थित है? अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। जहाज महल ये मालवा में स्थित है। गुलबर्गा ये जामा मस्जिद में है। जामा मस्जिद ये कहाँ? ये गुलबर्गा में स्थित है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं संप्रदाय और संस्थापक। ये सभी पी वाई क्यू में आए हुए क्वेश्चन हैं तो उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं। संप्रदाय और संस्थापक देखो, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वो थे मक्खली पुत्र गोसाल। घोर अक्रियावादी के पूर्ण कश्यप थे। यदरक्षावाद के आचार्य अजीत थे। और इसके बाद में देखते हैं भौतिकवादी के पकुट कच्चायन थे जो कि भौतिक दर्शन थे। अनिश्चयवादी के संजय बेटली पुत्र थे। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो ऐतरेय तथा कौशिक की ये ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के तैत्तिरीय तथा सत्पथ हैं। सामवेद के पंचविंश हैं और अथर्ववेद के हैं गोपद। इसके बाद में देखते हैं दर्शन और प्रवर्तक। दर्शन और प्रवर्तक की बात करें चावार के प्रवर्तक चावार्क हैं। योग के प्रवर्तक पतंजलि हैं। सांख्य के कपिल हैं और न्याय के गौतम हैं। पूर्वी मीमांसा के जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा के कौन हैं? बादरायण हैं और वैशिष्ट के कणाद हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हम लोग कुछ ऐतिहासिक उपनाम जो ऐतिहासिक सत्याग्रह हैं उनके बारे में देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो बारदोली सत्याग्रह जो है वो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा शुरू किया गया था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा। कोका आंदोलन राम सिंह के द्वारा। लाल कुर्ती गफ्फार खां जिनको श्रीमान गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में देखते हैं दल और उनके संस्थापक। आज़ाद हिंद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अल्लाह वक्त
इसके संस्थापक के खाकसार पार्टी के संस्थापक अल्लामा मसरिकी खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, कृषक प्रजा पार्टी के फजलुल हक, आगे कुछ और ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ऐतिहासिक उनको देखते हैं। अगस्त घोषणा ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा, अगस्त प्रस्ताव ये लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा शुरू किया गया था, अगस्त संकल्प ये गांधी जी के द्वारा, 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने भारत के संबंध में ब्रिटिश सरकार की भावी नीति की घोषणा की थी, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, वर्ष 1942 में गांधी जी ने अगस्त संकल्प के करो या मरो के नारे के साथ के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें अगस्त क्रांति भी कहा जाता है जिसको, और ये प्रारंभ करने की घोषणा की थी किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा 1942 ईस्वी में। इसमें क्या था कि मुस्लिम लीग जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में इसको मनाया गया था। आगे देखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण संधियाँ, तो महत्वपूर्ण संधियाँ ये इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी, मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी, सालवाई की संधि ये 1782 ईस्वी में, मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में हुई थी, एक्सेला सैपल की संधि ये 1748 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद में देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं जो थीं उनको के बारे में बात करते हैं। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के द्वारा ये योजनाएं चलाई गई थी। राजधानी परिवर्तन ये 1326 से 1327 ईस्वी में, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ये 1329 से 1330 ईस्वी तक में चलाई थी, खुरासान एवं कराचिल का अभियान इसके बारे में देखते हैं, बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद जो क्रमानुसार होते थे, चलिए उनकी बात करते हैं, उनको देख लेते हैं। दीवाने रियासत यह क्या था? तो दीवाने रियासत जो था वो व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और ये बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सेना ए मंडी ये प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। बरीद ये बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुनहियान एवं गुप्तचर ये गुप्त सूचना प्राप्त करता था। इसके बाद में आगे देखेंगे चोल काल में भूमि के प्रकार, तो चोल काल में जो भूमि के प्रकार होते थे वो कौन से होते थे? बेलन बगाई ये क्या होता था? ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी, बेलन बगाई। ब्रह्मदेह क्या होता था? ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। साला भोग ये किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि होती थी। देवदान या तिरुन मटडक्कनी ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती थी। और पल्लीचंदम ये जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि होती थी। आगे देखेंगे बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है, ये कौन कौन से हैं? तो ये दुख 4 आर्य सत्य जो हैं वो दुख हैं, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। जो अष्टांगिक मार्ग की बात है वो अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं, उनके कौन से साधन हैं? तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग हैं। इसके बाद में देखते हैं बादशाह और उनके मकबरा, चलिए फिलहाल ये हम लोग देख चुके हैं बादशाह और उनके मकबरा, आगे देखेंगे जैन धर्म से संबंधित कुछ तथ्य हैं उनको देखते हैं। जैन धर्म तीर्थंकर प्रतिमा लक्षण, तीर्थंकर और प्रतिमा लक्षण, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। तीर्थंकर आदिनाथ इनका प्रतिमा लक्षण जो था वो वृषभ था। मल्लिनाथ का प्रतिमा लक्षण ये जल कलश था। पार्श्वनाथ का सर्प था
और संभवनाथ का अश्वत्थामा घोड़ा तीर्थंकर और उनके संज्ञान की बात करते हैं। सॉरी, तीर्थंकर और उनके संज्ञान, पार्श्वनाथ सर्प, आदिनाथ का वृषभ, महावीर स्वामी का था सिंह, शांतिनाथ का हिरण था और तीर्थंकर और उनके निर्वाण। आगे देखते हैं तीर्थंकर और उनके निर्वाण स्थल कि कौन से तीर्थंकर का कहाँ निर्वाण स्थल है। तो चलिए देखते हैं आगे, ऋषभनाथ का निर्वाण स्थल अष्टापद है, वासुपुर जी का निर्वाण स्थल चंपापुरी में है, नेमिनाथ का ओरियंत है और महावीर स्वामी का ये पावापुरी में है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम कुंडलपुर में हुआ था और महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। इसके बाद में तीर्थंकर शब्द से संबंधित ये जैन से है, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो अंतिम थे जो वो महावीर स्वामी थे। किस नदी पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये रेणुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे देखेंगे कंपनी और उनके स्थापना वर्ष की बात करें तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो थी वो 1731 ईस्वी में हुई थी। इनका क्रम आता है, ठीक है, सुमेलित करने के लिए आता है, इनका क्रम भी लगाने के लिए आता है, इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं बहमनी राज चलिए देखते हैं, मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना की थी। हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में बहमनी राज की स्थापना की थी। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी इसने बनाया था। इसकी राजभाषा की बात करें तो इसकी राजभाषा जो थी वो मराठी थी। इसके बाद में आते हैं बहमनी वंश के प्रमुख शासकों की बात करें तो प्रथम शासक जो था वो मोहम्मद शाह प्रथम जो कि 1358 से 1375 ईस्वी तक रहा, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह जो कि 1375 से 1378 ईस्वी तक रहा, दाऊद प्रथम जो कि 1378 ईस्वी तक रहा। आगे बात करें मोहम्मद शाह की तो मोहम्मद शाह द्वितीय जो 1378 से 1397 ईस्वी तक रहा, ताजुद्दीन फिरोज जो 1397 से 1422 ईस्वी तक रहा, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम जो कि 1422 से 1436 ईस्वी तक रहा, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय जो कि 1436 से 1458 ईस्वी तक रहा और जो लास्ट है वो शमसुद्दीन मोहम्मद तृतीय जो कि 1463 से 1482 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखें विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हरियर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद से प्राप्त की थी। विद्यारण्य जो संत थे उनके आशीर्वाद से प्राप्त की थी। आगे देखें संगम वंश के प्रमुख शासक जो हैं वो हरिहर जो 1336 से 1356 ईस्वी तक रहा, बुक्का प्रथम 1356 से 1370 ईस्वी तक, हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी तक और इसके बाद में है देवराय प्रथम जो कि 1406 से 1422 ईस्वी तक, देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी तक, मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी तक, विरूपाक्ष द्वितीय जो कि 1465 से 1485 ईस्वी तक रहा। इसके बाद में देखते हैं प्रमुख सत्याग्रह कि उनके जो कालानुक्रम हैं उनको देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह यह 1917 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया था। इसके बाद में आता है अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में। इसके बाद में आता है खेड़ा सत्याग्रह ये भी 1918 में। रॉलट सत्याग्रह जिसको रॉलट एक्ट कहते हैं वो 1919 ईस्वी में। बोरसात सत्याग्रह जो कि 1923-24 ईस्वी में। बैकम सत्याग्रह जो कि 1924 से 1925 ईस्वी तक में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में और धारासना सत्याग्रह जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था।
आगे देखेंगे कांग्रेस पूर्व स्थापित संस्थाएं, यानी कि कांग्रेस से पहले जो पूर्व स्थापित संस्थाएं उनको देखते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में ये लंदन में थी। इसके संस्थापक जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 ईस्वी में लंदन में हुई थी और इनके संस्थापक जो थे वो आनंद बोस थे, आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कोलकाता में हुई थी और संस्थापक इसके थे जो आनंद मोहन बोस और एस एन बनर्जी थे। पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी में पूना में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक इसके जो थे वो एस एच चिपलुकर और जी बी जोशी और एम जी राणाडे। मद्रास महाजन सभा जो कि 1854 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी चेन्नई में और इसके संस्थापक जो थे वो जी एस अय्यर, एम बिनंगवाचारी और आनंद चारुलु। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो कि 1885 ईस्वी में, जिसका पूर्व नाम बम्बई था, इसकी बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक जो थे वो फिरोज शाह मेहता थे, के टी तेलांग और बदरुद्दीन तैयब जी थे। आगे देखेंगे हम लोग मराठा काल में पेश, यानी कि ये तो हो चुका है एक बार। अब देखेंगे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन की बात करें तो ये 1880 से 1884 ईस्वी तक जो लॉर्ड रिपन रहा है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्लैंडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। किसने किया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में इसको समाप्त कर दिया था। किसको? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 से बढ़ाकर इसने 21 वर्ष कर दी थी। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी और 18 मई 1882 इसको स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया था। इसके संबंध में ही भारत में सन 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी। इसके शासनकाल में शासनकाल आता है, तो इसके शासनकाल में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में नियमित जनगणना हुई थी। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था। भारत में पहली बार जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% जो भारत का भाग इसमें छूट गया था। रिपन के द्वारा सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह एक्ट चाय, कॉफ़ी एवं नील की खेती पर लागू नहीं होते थे। रिपन के समय में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। 2 फरवरी 1883 ईस्वी को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए एलवर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया था। एलवर्ट विधेयक जो था वो प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसको वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध के लिए विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट यूपीपीएससी आरओएआर एवं यूपीपीसीएस प्री के लिए। इसके साथ में और अन्य एग्जामों में भी आते हैं, आप लोग इसको देख ही सकते हैं कितने इम्पोर्टेंट हैं सभी एग्जाम में फैक्ट जो हैं ये पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।